Let's do question number first of exercise 15A, that is perimeter and area of plane figures. Question number first is find the area of the triangle. हमें triangle का area निकालना है. Whose base measures 24 centimeter. जैसे जैसे कहता रहता है वैसे वैसे figure बना के करते चले जाते हैं. देखिए question number first में वो कह रहा है हमें area of triangle निकालना है. Whose base measures, मान लीजिए ये A, B, C है और उसका base है BC. Base का measurement है 24 centimeter. अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है and the corresponding height measures 14.5 centimeter. और जिसकी height है, height कहाँ से होती है, जो base होता है उसके opposite जो vertex होती है वहाँ से height base पे गिरती है, तो उस height को वो कह रहा है 14.5 centimeter है. तो हमें area of triangle निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, हमारा area of triangle का formula होता है half into base into height. अब half बेस हमें पता है 24 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी है 14.5 सेंटीमीटर. अब या तो देखिए 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 2s are 4. अब देखिए पॉइंट, या तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें या आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगी. अब 2 6s are 12, 2 5s are 10, 5 ones are 5, 5 2s are 10 and 5 9s are 45. तो ये कितना आ गया 6 into 29. तो ये आ गया हमारा 6 9s are 54, 5 carry, 6 2s are 12, 13 14 15 16 17, 174 centimeter. अब एरिया की यूनिट ये वाली सेंटीमीटर लेकिन स्क्वायर हो जाती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. Let's do question number 2 of exercise 15A. Question number 2 is find the area of the triangle. हमें area निकालना है. Whose sides are, जिसकी sides है 42 centimeter, 34 centimeter and 20 centimeter in length. Find the height corresponding to the longest side. और हमें height निकालनी है corresponding to the longest side. लॉन्गेस्ट साइड से जो हाइट बैठ रही है वो निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है. हमारा ट्रायंगल दे रखा है हमें जिसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं. तीनों साइड्स कौन कौन सी दे रखी हैं, 42 सेंटीमीटर, 34 एंड 20 सेंटीमीटर. हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. ये आ गई. तो हमें एरिया निकालना है. जब भी आपको ट्रायंगल में तीनों साइड्स गिवन हो तो हमारा एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट नहीं लगेगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा हमारा S S माइनस A S माइनस B एंड एस माइनस सी. ये कहलाता है हेरॉन्स फॉर्मूला, जो कि हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं. जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है. तो लेकिन अब इसमें एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, वो देखिए. हमारा ए है, कोई सी भी साइड को ए मान लीजिए. हमने माना 34 सेंटीमीटर को ए, बी माना हमने 20 सेंटीमीटर को और सी माना हमने 42 सेंटीमीटर को, राइट. और S निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, राइट. तो S कैसे निकलेगा, आप इससे पहले एक्सरसाइज करने से पहले, हर एक एक्सरसाइज करने से पहले मेरी हर एक इंट्रो वीडियो जो प्लेलिस्ट में होती है वो प्लीज़ ज़रूर देखें. अब देखिए A हमारा था 34 प्लस 20 प्लस 42 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 प्लस 2. ये देखिए 4 प्लस 2 इज 6 एंड 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, 96 अपॉन 2. तो ये आ गया 2 4s are 8 एंड 2 8s are 16, 48 सेंटीमीटर एस आ गया है हमारा. अब एरिया निकाल लेंगे क्योंकि हमें एस भी पता चल गया, ए बी सी भी पता चल गया है. तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, हमने कहा एस,
एस हमारा है 48 सेंटीमीटर, तो 48 एज इट इज इनटू, अब 48 माइनस ए दैट इज 48 माइनस 34, फिर 48 माइनस बी, बी है हमारा 20, देखिए ये रहा 20 और सी है हमारा 42, तो 48 माइनस 42 तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट में 48 इनटू, अब देखिए 48 में से 34 गए तो कितना आया 14, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 14 इनटू, 48 में से 20 गया तो कितना आया दैट इज 28 इनटू, 48 में से 42 गया तो कितना आया 6, अब देखिए या तो स्क्वायर रूट के अंदर ही इसी के फैक्टर्स बना लीजिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो या तो इनसे मैच कर जाएं या आगे जब आप इनको स्प्लिट करें तो मैच कर जाएं, जिससे कि आप यहीं की यहीं पेयर्स बना के एक एक बार बाहर लिख सकते हैं, तो लाइक 48 को आप क्या लिख सकते हैं 6 8 48, तो मैंने लिखा 6 into 8 को हमने और स्प्लिट कर लिया 2 into 4, अब देखिए 6 ये वाला है ऑलरेडी यहाँ है तो 6 का काम चल जाएगा, अब 14 को क्या लिख सकते हैं 2 7 2 7 14, अब देखिए अब आप 28 को क्या लिख सकते हैं 7 4 28, तो मैंने लिखा 7 into 4 और 6 एज इट इज, अब देखिए आप देखेंगे 6 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है, तो एक एक बार हम बाहर निकाल लेंगे, तो एक बार 6 निकाला हमने बाहर और देखिए एक बार 2 एक बार 4 एक बार 7 एक बार 2 एक बार 4 एक बार 7, तो ये कितना आ गया 6 2 12 into 7 4 28, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 28 into 12, 2 8 16, कैरी 1 2 2 4 and 5 8 and 2, तो ये आ गया 6 13 and 3 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, तो अब हमारी एरिया पता चल गया है, लॉन्गेस्ट साइड हमें देखिए तीनों साइड्स में से सबसे लॉन्गेस्ट साइड 42 सेंटीमीटर है, तो इस वो कह रहा है हमें हाइट निकालनी है जो कि पड़ रही है, कहाँ पर पड़ रही है उस लॉन्गेस्ट साइड पर पड़ रही है, जो कि उस लॉन्गेस्ट साइड पर पड़ रही है, तो ये वाली हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमारा एरिया हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, अब हमें हाइट निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब इस ट्राइंगल का जिस ट्राइंगल में ये लॉन्गेस्ट साइड है उसमें हमने ये एरिया पता चल गया है, ये है हमारा 336, तो हमने यहाँ पे एरिया के नीचे लिख लिया 336 हाफ एज इट इज, बेस क्या आएगा लॉन्गेस्ट साइड बोला है उसने, तो देखिए बेस क्या आया हमारा 42 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 42 इनटू हाइट हमें निकालनी है, तो अब एच अपनी जगह रहा, ये देखिए जो यहाँ पे एच के साथ डिवाइड में था उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी उधर ले जाके, और जो मल्टीप्लाई में था उसको मैं डिवाइड में ले आऊंगी, तो देखिए 336 अपनी जगह रहा, 2 डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और 42 मल्टीप्लाई में था एच के साथ तो हमने डिवाइड में रख, एच के साथ देखेंगे यहाँ पे एच के साथ कोई वैल्यू, या आप ये भी कर सकते हैं यहीं सॉल्व करके फिर इधर ले आए, तो देखिए 2 1 2 2 2 4 2 1 2, नाउ 3 7 21, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, नाउ 7 1 7 7 1 7, 42 7 6 42, तो हमारी हाइट कितनी आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर इज द आंसर।